नमस्कार, सुप्रभात। समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित खबरों के संक्षिप्त सार पर आधारित कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार पत्रों ने अपने मुख्य पृष्ठ पर कौन सी ऐसी खबर है जिसको प्रकाशित किया है। एक ओर जहां अमेरिका द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दल और राजनेता कभी रूस और कभी चीन पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब भारत सरकार ने अमेरिका की एक प्रतिष्ठित एजेंसी पर भारत में जारी चुनाव प्रक्रिया पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। ये महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण को टिकट नहीं देकर उनके बेटे करण को टिकट दिया है, उसको लेकर भी तमाम विरोध जो है पहलवानों की ओर से दर्ज कराया गया, उसको उसमें कई समाचार पत्र ऐसे हैं जिन्होंने उस पर बयान जारी किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को कांग्रेस को पाकिस्तान का मुरीद करार देते हुए आरोप लगाया कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी आज जब मर रही है तो उसके लिए पड़ोसी मुल्क के नेता दुआ कर रहे हैं। सहजाती को पीएम बनाना चाह रहे पाकिस्तान, ये मोदी का कहना है। वहीं राहुल गांधी ने मास रेपिस्ट के समर्थन में प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं, उसको लेकर एक वो चिट्ठी दिखाई है जिसमें रेवन्ना को लेकर भाजपा नेता ने चिट्ठी लिखी है। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगातार है। इस बीच में अमेठी और रायबरेली पर कयास अभी भी कायम है। आज जो है आखिरी दिन है चुनाव नामांकन का, तो लेकिन अभी तक कोई कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली में पोजीशन क्लियर नहीं करी है। आप देख सकते हैं बृजभूषण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान लगभग सभी समाचार पत्रों में है। इनका नाम है प्रज्वल, इनको लेकर भी बीजेपी की काफी फजीहत हो रही है, ये भी फ्रंट पेज पर बने हुए हैं। साथ ही खालिस्तान के समर्थन में दोबारा जस्टिन ट्रूडो के जो बयान है वो भी प्रकाशित हुए हैं, चिंताजनक संदर्भ है। एक ओर पाकिस्तान, दूसरी तरफ खालिस्तान, मतलब चारों ओर से भारत पे हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका भी अभी जो निर्वाचन आयोग ने जो पहला हमने आपको संदर्भ दिया था, मतलब एक और चुनाव है, ऊपर से सभी लगभग सभी विश्व स्तर पर भारत को कमजोर करने की एक साजिश देखी जा सकती है, ऐसा जो है समाचार पत्रों का भाव है। और इसी समाचार संदर्भ के साथ कल तक के लिए आपसे हम अनुमति चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।